हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासन की तैयारियां भी बढ़ रही हैं। और ऐसे में आप सिरसा प्रशासन ने एक अच्छी पहल यहां पर की है। प्रशासन ने सिरसा शहर के बीचों बीच टाउन पार्क के पास अस्थायी रैन बसेरे की शुरुआत की। दरअसल हरियाणा रोडवेज की बस में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। इस बस को टाउन पार्क के पास खड़ा किया गया। सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव ने अस्थायी रैन बसेरे का शुभारंभ किया। इस रैन बसेरे में 9 से 10 लोग रात गुजार सकते हैं। देखिए, पीछे जो कोल्ड वेव चली हैं उसे हमने देखा है कि रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, तो किसी भी जो जनता है उनको असुविधा ना हो उसके लिए प्रशासन की तरफ से हमने अस्थायी रैन बसेरा, जैसे आप देख सकते हैं कि बस का हमने उपयोग किया है। इसमें हम दरी और साथ में गद्दे बिछवाएंगे और जो भी यहाँ पर ऐसा है लोग आते हैं उनके लिए कंबल की भी व्यवस्था की गई है। हमारे जो वार्ड 13 में हैं उसमें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।